घोटालों की जांच में लंबा अनुभव रखने वाले इंदौर अपर कलेक्टर राजेश राठौर इंदौर कलेक्टर कार्यालय में हुए करोड़ों के ट्रेजरी घोटाले की जांच कर रहे हैं। एक करोड़ का सामने आया घोटाला करीब 5.25 करोड़ तक पहुंच गया है। 3 दिन की जांच के बाद यह खुलासा हुआ है। भ्रष्ट बाबू मिलाप चौहान ने शासन की वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था में ऐसी सेंध मारी है कि पूरा प्रशासन हक्का बक्का रह गया। शासन के पैसों से मिलाप ने इतनी अय्याशी की है कि बताई नहीं जा सकती। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी ने पूरे मामले की जांच का जिम्मा पर कलेक्टर राजेश राठौर को सौंपा है। आपको बता दें कि राजेश राठौर इस मामले में काफी सख्त हैं और इस तरह की कार्यवाहियों में उनका लंबा अनुभव है। जल्द ही वो इस मामले की जांच पूरी करेंगे। इसी को लेकर कलेक्टर ने उन्हें यह जांच का जिम्मा सौंपा है। कलेक्ट्रेट की लेखा शाखा के बाबू मिलाप चौहान ने शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों और राहत राशि के ऑनलाइन फेल हो चुके ट्रांजेक्शन का उपयोग कर अपने और दोस्तों के बैंक खातों में करोड़ों की राशि ट्रांसफर कर ली। उसने पति साले और कलेक्टर कार्यालय के कुछ अन्य कर्मचारियों के खातों में भी अवैध तरीके से सरकारी धन ट्रांसफर किया। बाद में यह पैसा निकाल लिया। यह घपला वह 4 साल से कर रहा था और अब जाकर पकड़ में आया है। जिला प्रशासन की अब तक की जांच में करीब 5.25 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ चुका है। सरकारी धन की हेराफेरी कर वह इसे अय्याशी में खर्च करता रहा। अभी तक मिलाप जितना खर्चा कर चुका है उतना अपनी नौकरी वाले समय में कमाया भी नहीं। वो कहीं भी घूमने फिरने जाता था तो प्लेन से आता जाता था। मिलाप चौहान के साथ दूसरे अधिकारी भी संलिप्त पाए गए हैं। मिलाप जिन खातों में पैसे ट्रांसफर कर लेता था उन पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। शासन के पैसों का दुरुपयोग कर मिलाप ने मकान और जमीनें खरीद ली, अपने महंगे शौक पूरे किए, साथ ही कर्मचारियों को घास तक नहीं डालता था। ठीक है, रोल। मिलाप चौहान द्वारा गमन की राशि 1 करोड़ थी, वह अब जांच करते करते 5 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। एडीएम सर से हम बात करते हैं, देखते हैं कि वह राशि का किस प्रकार से उन्होंने इसकी जांच की है, जांच की आगे जब कार्रवाई हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। सर, जो मिलाप चौहान है उसके द्वारा जो गमन की राशि 1 करोड़ की 5 करोड़ के आसपास पहुँच गई, साथ में कुछ लोग भी। देखिए, जो प्रारंभिक तौर पे हम लोगों को डिटेक्शन हुआ था वो लगभग 1 करोड़ के आसपास था, जो अपने मिलाप चौहान ने अपने खाते में और अपनी धर्मपत्नी के खाते में अंतरित की थी अवैधानिक तरीके से। जब उसकी और विस्तृत जांच की गई, उसके अन्य बिलों को चेक किया गया, बाकी सारी चीज़ें 2-3 साल की देखी गई, तो अभी तक की स्थिति में वो राशि बढ़कर 5 करोड़ के आसपास हो गई है। और उसमें परिजनों के साथ साथ उनके और भी जो परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं वो इंक्लूड हैं, उनके मित्र हैं, और उन्होंने कुछ जो हमारे शासकीय कर्मचारी है उनको भी इसमें सम्मिलित किया, और उनके माध्यम से अन्य लोगों के खाते लिए, उनके परिजनों के खाते लिए, और उन खातों में भी राशि अंतरित की। तो इस प्रकार लगभग 25 से 28 खाते अभी तक की स्थिति में डिटेक्ट हुए हैं, जिनके अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शन हुए हैं, और उन ट्रांजेक्शन का जो टोटल सम होता है वो लगभग अभी तक की स्थिति में 5 करोड़ के आसपास है। सर, उसके बाद देखने में आया है कि उनके खातों में जो राशि है वो निकल चुकी थी, आरित हो चुकी थी, तो वो किस तरीके से इस राशि का यूज़ कर रहा था? जो जाँच हमारे सामने की जा रही है वो 2020 से ये इन्होंने प्रारंभ किया है, और अभी तक की स्थिति में हम लोगों ने जांच में लिया है। तो जो पैसा 2020 में निकल चुका है या इतने सारे लोगों को डिफरेंट जगह गया है, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है, उसको व्यक्तिगत उपयोग में खर्च किया है। बहुत सारे ऐसे भी हम लोगों के सामने ट्रांजेक्शन आए हैं जो अनैतिक गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं, तो ऐसे पैसे को या तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग करके बहुत ही खर्च किया है, उसको खर्चीली लाइफ जी है, या फिर उन्होंने जो ज़मीन वमीन खरीदी है या कुछ इस टाइप की चीज़ें की, अपने परिजनों की उनको उनके सहायता की है, मदद की है, या उनको गलत तरीके से राशि अंतरित कर दी है, तो इस प्रकार से उन्होंने उसका उपयोग किया है। सर, इस काम में कोई और भी कर्मचारी इसके साथ ही थे क्या? हाँ, कुछ और भी कर्मचारी उसमें हमारे अभी जाँच की परिधि में है, और उनके खातों में भी राशि, उनके परिजनों के खाते में भी राशि अंतरित हुई है, तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। सर, जिस प्रकार से ये काम हुआ है, आरित हुई है, तो इसमें किस प्रकार से इसने ये काम किए थे और कौन सी राशि ऐसी थी जिस पे सबसे ज़्यादा इसने फोकस करके उस राशि को निकाला?
देखिए, हमारे जितने भी ट्रांजिशंस होते हैं वो मेनली सक्षम स्वीकृति से और विविध प्रक्रिया के तहत पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजिशंस होते हैं जिसमें कतिपय कारणों से, जैसे बैंक अकाउंट सही नहीं है, एक दो डिजिट छूट गया, जो नाम है वो सही नहीं है, आईएफएससी कोड बैंक का सही नहीं है, तो इन कारणों से सामान्यतः जो वो है हमारा फेल हो जाता है ट्रांजिशन। बहुत बार खाते जो है वर्किंग ही नहीं होते हैं, या वो खाते ऐसे होते हैं जिनमें फैसिलिटी नहीं होती है कि उसमें पोर्ट किया जा सके, डिपॉजिट की जा सके, तो ऐसी राशि शासन के स्तर से तो इनिशिएट हो जाती है उनके लिए डिपॉजिट करने के लिए, लेकिन किसी न किसी कारण से वो फेल हो जाती है। तो जब फेल ट्रांजिशन होता है तो ये संबंधित शाखा की जिम्मेदारी है कि वो फेल क्यों हुआ है और उसकी जो भी कमी पूर्ति है वो पूर्ति करके और उस खाते को वापस भुगतान की प्रक्रिया में लाए। इन लोगों ने ऐसा ना करते हुए या पुराने समय से फेल खातों का दुरुपयोग करते वो राशि संबंधित हितग्राही को ना देते हुए अपने या तो नाम बदल कर या अपना ही नाम लगा कर अपने राशि अपने ही खाते में वो राशि अंतरित कर। सर, जिस तरीके से इसने राशि आहरित कर रखी है, क्या इसके ऊपर FIR या इसके साथियों पे FIR या फिर जो अकाउंट जिनके हैं उन पे किसी प्रकार की विधानिक कार्रवाई? निश्चित ही आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये सारी चीज़ें प्रारंभिक स्तर से हम लोगों के समझ में आई, माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में आई, उन्होंने त्वरित रूप से इसमें उसको निलंबित कर दिया है और जांच के लिए जांच दल का गठन कर दिया है। अब जो भी हमारी फाइंडिंग्स आएगी और फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंगली जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है वो सारी वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। जाँच अधिकारी राजेश राठौर जी ने जिस प्रकार बताया कि अब FIR तक हो सकती है, वहीं आहरित राशि जो इसके द्वारा की गई थी उसको भी कब्जे में लेने की कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं शैलेंद्र कश्यप, इंदौर।